हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पनीर के परौंठे की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, स्मॉल अनियन, ग्रीन चिली, देसी घी, आटा, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, गरम मसाला एंड अजवाइन। अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। सबसे पहले अजवाइन, सॉल्ट। सॉल्ट को आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, अनियन एंड ग्रीन चिली। अभी हम सब चीजों को मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। ओके फ्रेंड्स, अब हमने गैस ऑन कर लिया। हम आटे की छोटी छोटी ऐसे लोइयां लेंगे। दो छोटे छोटे पेड़े ले लिए। छोटा छोटा बेल लेना है ऐसे। अब हम इसमें अपना पनीर डालेंगे जो कि हमने मिक्स किया था। और इसको दूसरे रोटी से अब हम देख लेंगे कि हमारा तवा गर्म हुआ है कि नहीं। अब हम देख लेंगे कि हमारा तवा गर्म हुआ है कि नहीं। हमारा जो तवा है वो गर्म हो चुका है। अब हम अपने पराठे को तवे पे डाल देंगे। हमने तवे में डाली थी, देखो ये थोड़ा पक गई है। अब हम इसमें देसी घी लगाएंगे इस तरीके से। जब तक हमारा परोठा पकता है तब तक हम ऐसे ही छोटे छोटे और पेड़े बना लेंगे दो। इसी तरीके से हमें और भी परांठे सेम ऐसे ही तरीके से बनाने हैं। अभी हम इसे पलटा देंगे और दूसरी साइड भी घी लगा देंगे। इसे फुल फ्लेम पे पकाना है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है। ये आधी पक चुकी है। ये देखिए
आप इसे दही के साथ और चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो पनीर के परौंठे हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और खाएं, और बच्चों को ये बहुत पसंद होते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो आप इसे बनाएं, खाएं, और मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मुझे लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।